ये देखिए, ये हमारा सीलिंग फास्टनर है जो 12 mm का है दोस्तों। इसको मैं इस तरह से लगाना सिखाऊंगा कि आपका, इसके वजह से आपका पंखा कभी नहीं गिरेगा दोस्तों। तो अगर नए हमारे चैनल में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ड्रिल करके दिखाता हूँ जहाँ हमको पंखा लगाना है दोस्तों। सबसे पहले वहाँ पर आपको ड्रिल कर लेनी है, जो कि आपको देख रहे हैं इस तरह से आपको ड्रिल करनी है। ये हमारा 20 mm का बिट लगा हुआ है दोस्तों, जो कि हैमर ड्रिल बिट में है। तो चलिए मैं इसे ड्रिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप हमारे वीडियो तो देखते हैं दोस्तों लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए कि हमारा मोटिवेशन बनी रहे और आपके लिए आप अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों। तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, और इसे लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए हमारा जो है ड्रिल हो चुका है, और आपको मैं दिखा देता हूँ नज़दीक से दोस्तों किस तरह से आपको ड्रिल है। देखिए ये आपका इस तरह से ड्रिल करनी है, जो कि आपको क्लोज से दिखा दे रहा हूँ। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फास्टनट आपको लेनी है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा फास्टनट है जो आपको 12 mm की है, थोड़ा हेवी में है। तो उसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ किस तरह आपको लगानी है। तो इसको आप बराबर कर लें, उसके बाद जो है आपको देख लीजिए इसका क्वालिटी जो काफ़ी हेवी है। तो दोस्तों अगर सीलिंग फास्टनट को आपको अच्छे तरीके से टाइट करना है, तो उसके लिए आपको जो है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो है आपको देखिए एरल डाइट है वो आपको लेनी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको हार्डवेयर दुकान पे मिल जाएगी, जो कि 90 ग्राम की है। आप देख सकते हैं इसका जो MRP है दोस्तों 210 रुपये इसका MRP है। ये बड़ा साइज़ का दोस्तों, इसका छोटा भी आपको मिलेगा, ये 10 रुपये से स्टार्ट होता है, आप इसका छोटा भी ले सकते हैं। तो इसे आपको यूज़ करनी है, किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर जो है 2 ट्यूब आती है, तो आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें आपको 2 ट्यूब मिलेगी दोस्तों, तो इसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो है दोनों ट्यूब को बाहर निकाल ली है। अब जो है इसका आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्लू ट्यूब में है, ये हमारा वाइट ट्यूब में है दोस्तों। तो सबसे पहले चलिए इसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ किस तरह से आपको मिक्स करना है दोस्तों, किस तरह से बनाना है। तो दोनों को आपको एक पेपर में या जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ पर आपको निकाल लें, जितना आपको यूज़ करना उसके हिसाब से ही आप निकालिए, नहीं तो वो दोस्तों बर्बाद हो जाता है। तो देखिए जितना आपको लगाना है वो उतना आप दोनों ट्यूब को उतना थोड़ा थोड़ा आप निकाल लीजिए। ऐसे मैं थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको समय बचे। तो देखिए इसको आपको थोड़ा थोड़ा सा दोनों में ले लेना है दोस्तों, और को आपको एक पेचकस की सहायता से या कोई भी आपको चीज़ हो उससे आप मिला दें अच्छे तरीके से। तो उसे आपको देखिए अच्छे तरीके से मिलाना है। ये हमारा मिल चुका है, उसके बाद जो है एक फास्टनर उठाइए और उसमें जो है अच्छे से आपको लगा देनी है। तो मैं इसे फास्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ जल्दी से। तो देखिए इसे इस तरह से अच्छे तरीक़े से आपको लगा देनी है कि पूरा में आपको अच्छे तरीके से लग जाए, ठीक है। तो ये जो इसको लगाने से दोस्तों, ये हमारा सीलिंग फास्टनर जो काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाती है। वो आपको समय इसमें आपका 7 से 8 घंटा लगता है, जिससे ये पूरा हार्ड हो जाता है, ये कभी नहीं निकलेगा दोस्तों। कितना भी आप वेट देती ये नहीं निकलेगा। तो देखिए ये हमारा जो है लग चुका है, अब मैं इसे सीलिंग में आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये हमारा बंदा है दोस्तों जो आपको देखिए सीलिंग में लगा रहा है। तो जो आप जहाँ पर होल किए हैं दोस्तों वहाँ पर आपको इस तरह से लगा देना, और एक आपको हथौड़ी की मदद से इसे आपको ठोक देनी है। देखिए मैं आपको ठोक के दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको ठोक दीजिए, उसके बाद इसको घुमाएं दोस्तों। जैसे आप नट को टाइट करते हैं उस तरह से इसको टाइट कर देनी है। उसके बाद एक आप रॉड ले लीजिए दोस्तों, जो कि मेरे पास एक देखिए ये हमारा हैमर ड्रिल बिट है दोस्तों, जिसे मैं रॉड की जगह पर यूज़ कर रहा हूँ। इसे आप रॉड से भी कर सकते हैं, और इसे अच्छा सा घुमा के दोस्तों इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देनी है। जितनी भी ये टाइटली फुल टाइट इसको करना है दोस्तों, ये अच्छे तरीके से आपको टाइट कर देनी है। देखिए ये जो है ये आपको टेस्ट करके भी दिखा दे रहा है, वो पूरा इसने लटक के भी दिखा दिया दोस्तों, ये निकल नहीं रहा, बहुत ही मजबूत है। उसके बाद जो है आपको एक पंखे का जो है रॉड आपको लगा देनी है। ये हमारा फॉल्स सीलिंग का था दोस्तों, नहीं तो मैं आपको फ़ैन भी लगा के दिखा देता हूँ। तो ये फॉल्स सीलिंग में जितने भी है आपको फॉल्स सीलिंग होती है दोस्तों, उसमें हमको लगानी पड़ती है। तो इसे आपको काफ़ी इजी हो जाती है, कहीं भी आप चाहेंगे पंखा लगा सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।